तो फ्रेंड्स ये है मेरी स्टूडेंट एंड ये है एवियन 400 एमजी का कैप्सूल। इसको अप्लाई कैसे करना है बालों पे वो बताने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आपको एक कैप्सूल लेना है। इन्होंने बालों को वॉश किया हुआ है एंड देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हेयर दिख रहे हैं, और इसको लगाने के बाद से काफ़ी ज़्यादा मैनेज और खूबसूरत से दिखेंगे बाल। तो आपको एक कैप्सूल ले लेना है। मेरे लेंथ बहुत छोटे हैं जिसकी वजह से मैं इसका हाफ ऑयल यूज करती हूँ तो इनफ होता है, बट इनके बालों की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और अच्छी है, तो इन पर आपको पूरा भी कैप्सूल आप ले सकते हो। और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो स्टार्टिंग में आप चिपकू बनने से मत डरिए, अपने बालों को बचाइए एंड उसकी ग्रोथ को बढ़ाइए। तो इसको आपको पंक्चर कर लेना है। पंक्चर करने के लिए पिन या फिर सुई ले सकते हो, इसको इस तरीके से छेद देना है और इसका सारा ऑयल अपने हाथों पर निकालना है। सारा ऑयल इस तरीके से निकाल लेना है, अच्छे से गर्म करना है बालों में और इस तरीके से बालों पे अप्लाई कर देना है। जड़ों में भी आप लगा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर आपने बहुत ज़्यादा लगा लिया तो फर्स्ट दिन आपको ऑयली लगेगा, बट सेकेंड डे या फिर 1-2 घंटे के बाद से अच्छे से मैनेज हो जाएगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे एंड कहीं भी फंसेंगे नहीं। सबसे अच्छी बात है कि फ्रिजनेस एंड जो उलझ जाते हैं बाल उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है। और ये देखिए जितने भी फ्रिजी हेयर थे सब में बहुत अच्छी सी साइन आ गई है और बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत ही सस्ता, टिकाऊ एंड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टिप्स है जो कि आप कर सकते हो। तो टच करके देखिए आप अपने बाल को कैसा लग रहा है, हो गया ना एकदम मैनेज। और जो फ्रिजनेस थी वो भी अच्छे से गायब हो चुकी है एंड एक दो बार अप्लाई करेंगे तो हेयर फॉल भी कम होगा एंड फ्रिजनेस तो ख़त्म ही हो जाएगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली फ्यून फोल से हेयर स्टाइल, वो भी इतने छोटे वालों पे। तो चैनल को नया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड मेरे चैनल पर आपको डे बाई डे कोई ब्यूटी सीक्रेट्स, मेकअप से रिलेटेड वीडियोज, हेयर स्टाइल की वीडियोज में ही मिलते रहते हैं। तो जो भी आप रिक्वेस्ट करते हो उस पर वीडियो मैं जरूर लेकर आती हूँ, बट टाइटल एंड टैग वगैरह हेयर स्टाइल से रिलेटेड ही होता है क्योंकि मेरी हेयर स्टाइल्स की वीडियोस वायरल होती हैं, इसलिए मैं हेयर स्टाइल के टाइटल डालती हूँ। बट आपको वीडियो के अंदर ही बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए, तो इतने छोटे बालों में क्या बन सकता है, चलिए ट्राई करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे रख लिया है यू पिंस एंड बॉबी क्लिप्स, सब साथ में लेके बैठती हूँ ताकि ईजिली बन जाए। और रबड़ बैंड भी रख लीजिएगा इस तरीके की पतली रबड़ बैंड। तो ओपन बालों में बताऊँगी आज, इतने छोटे बालों में पूरा जूड़ा वगैरह बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए लेकर आते रहती हूँ। और ये कटिंग मैंने कैसे की, सेल्फ कटिंग की है। अगर आपको भी करनी है इस तरीके की कटिंग तो चैनल पे है तो आप जाकर चेक कर लीजिएगा। तो साइड पार्टीशन से करने वाली हूँ। साइड पार्टीशन से करने के लिए आपको सिंपली इस तरीके से थोड़ा लेयर लेना है बालों का और स्ट्रेट लाइन बनानी है जो कि आपके वेस्टर्न ड्रेस के साथ काफ़ी बेस्ट लगने वाला है एकदम स्टार्टिंग से, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे हेयर फॉल की वजह से जो हेयर होते हैं वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कीजिएगा ट्विस्ट करना। तो इस तरीके से आपको ट्विस्टिंग करके क्राउन एरिया तक लेके जाना है, देन एक क्लिप की मदद से, बॉबी क्लिप की मदद से इसको यहीं पे सिक्योर करना है। एक लाइन और बनाएंगे, 2-3-4 जितना आपको बनाना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मैं सिर्फ यहाँ पे 2 बना रही हूँ। तो है ना काफ़ी स्टाइलिश एंड बहुत ही आसान। इस तरीके से मैंने बना लिया है। आप चाहो तो इस साइड के हेयर को ओपन रख सकते हो, अगर आपका लॉन्ग फेस है तो आप इस तरीके से बना के और इधर के हेयर ओपन रखिए, इस साइड के सारे हेयर को बैक साइड में रखिए और बड़े बड़े झुमके एंड इयरिंग्स डालिए, काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये हेयर स्टाइल आपके लिए लॉन्ग फेस वालों के लिए। एंड सेकेंड हेयर स्टाइल में आपको ये वाला ओपन नहीं करना है, बस सिंपली आपको दूसरी साइड से भी इस तरीके से हेयर को लेना है और एक चोटी बनानी है यहाँ पे
रोटी को बनाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि पतला पतला सेक्शन के साथ ऐड करते जाना है दोनों साइड से। अगर आपका फोरहेड बहुत बड़ा है तो फ्रंट में जो फ्लिक्स कट किए हैं उसको छोड़ के स्टार्ट कीजिएगा। क्राउन एरिया तक के हेयर को ले लेना है। कॉलेज गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा ये हेयर स्टाइल और ये हेयर कट भी काफ़ी अच्छा लगेगा। हेयर कट का वीडियो देख लीजिएगा। बस यहीं तक एंड क्लिप्स लेना है और इसको सिक्योर कर देना है। सिक्योर करने से पहले थोड़ा सा आगे तक कूल करेंगे जिससे कि जो हमारी प्रॉपर डिजाइनिंग है वो प्रॉपर दिखे और फिर क्लिप्स को ऐड कर देना है। ये होता है बॉबी क्लिप जो कि स्ट्रेट होती है और इस तरीके का बना होता है। तो ये इस तरीके से सेकेंड हेयर स्टाइल हो जाएगा आपका। तो ये हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया। चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। थर्ड हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको ये ओपन करना पड़ेगा। तो इसको मैं खोल लेती हूँ वालों को फिर आती हूँ। तो ओपन कर लिया मैंने वालों को एंड थर्ड हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए मैं इस तरीके से सेंटर पार्टीशन कर रही हूँ। अगर आप कॉलेज जाते हो बट सूट पहनते हो तो आप क्या करोगे, और विटामिन ई का जो मैंने टिप्स बताया था आपको उससे मेरे हेयर फॉल अभी सिर्फ दो बार मैंने यूज किया है और मेरे 80% तक हेयर फॉल कम हो गए हैं। मैंने अभी हेयर वॉश भी वॉश करके बस थोड़ा सा दो बूंद उसका ड्रॉप लिया एंड अप्लाई किया है। कल के वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है कि कैसे अप्लाई करना है, तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और बालों में एक ऐसा कंडीशनिंग सा भी दिख रहा है एंड बाल बहुत ज़्यादा मैनेज दिख रहे हैं और कहीं से भी ड्राई एंड फ्रिजी नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छा टिप्स है, तो आप जाके ट्राई कर लीजिएगा। विटामिन ई 400 mg इवेन का है वो, तो आप ट्राई कर लीजिएगा। कल का वीडियो जाके चेक कीजिए जल्दी जल्दी, आपको पता चल जाएगा। हेयर फॉल भी नहीं होगा और बाल भी काफ़ी अच्छे से मैनेज रहता है। तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल करते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल के लिए आपको इस तरीके से सिंपली बाल को लेना है। डेयर अगर आप कॉलेज जाते हो तो, क्योंकि कॉलेज जाते टाइम हम लोग सोचते हैं बहुत ईजी सा कोई हेयर स्टाइल मिल जाए हमको और बहुत ही आसानी से हम बना के और काफ़ी स्टाइलिश भी लगे और फटाफट रेडी होके चले जाएँ। सिंपली ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा लॉन्ग ट्विस्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ईयरिंग्स और मेकअप नहीं किया है। मुझे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स बोलते हैं कि मैम आप मेकअप और तैयार होके पूरा वीडियो क्यों नहीं बनाती। तो डियर मुझे उतना पसंद नहीं है, मैं जब कोई फेस्टिवल या त्यौहार होता है तभी मैं मेकअप करती हूँ और तैयार होती हूँ। वैसे मैं वीडियोज डालती रहती हूँ मेकअप वगैरह, जब भी मैं तैयार होती हूँ उसकी वीडियो जरूर डालती हूँ। इस तरीके से आपको ट्विस्ट करना है, हल्का सा फूल करना है आगे की तरफ और इस तरीके से क्लिप को लगा लेना है। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके साथ आपने बड़ी बड़ी झुमकी झुमकी या बालियाँ पहनी हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं, सीधे हैं पूरे, मेरे तो कर ली हैं बट स्ट्रेट हैं, तो आप इस तरीके से लेयर निकालिएगा और फिर इसको बैक में ले जाके हल्का सा पुल आउट करके बॉबी क्लिप से सेट कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा कर्ली भी नहीं है मेरे पास, मीडियम है। तो अगर आपके स्ट्रेट हैं तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ये सेम दूसरी साइड करने हैं। अगर आपके फेस पे सेंटर पार्टीशन जचता है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से आपको ट्विस्टिंग नहीं करना है, पीछे की तरफ ही हाथ को रखना है। लेयर्स को जो निकालना है वो आप निकाल लीजिए। लेयर्स निकालना ज़रूरी होता है, तो आप कॉलेज गर्ल्स हो तो आप फ्लिक्स वगैरह आगे से कट करके ही रखिए, काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, जिसकी फोरहेड बहुत शॉर्ट है उनको फ्लिक्स नहीं कट करना है, एंड कर्ली है तो भी नहीं कट करना है। बहुत ज़्यादा जो कर्ली हेयर होते हैं उनके भी नहीं कट करना है। मीडियम टू स्ट्रेट हेयर है तो आप फ्लिक्स जरूर कट कीजिए, उससे आपका जो लुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और अट्रैक्टिव बनता है। इस तरीके से ट्विस्ट करना है आगे की तरफ, हल्का सा पुल करेंगे और बस फ्लिक्स को लगा देना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड हेयर स्टाइल, है ना, काफ़ी इजी। दोनों साइड सेम नहीं लग रहा है तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से लेना है और फिर स्टार्ट करना है ऊपर से। थोड़ा मैंने नीचे से स्टार्ट कर दिया था, ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा। हल्के हल्के हाथों से एकदम अच्छे से ट्विस्टिंग करनी है और फिर पुल आउट करना है। अभी सेम हो गया और क्लिप्स को लगा देना है।
तो ये जो भी मेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स जो भी सेंटर पार्टीशन करती है उनके फेस पे सेंटर पार्टीशन जचता है वो ये कर सकती है, हेयर स्टाइल वो काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं। छोटे बाल हैं मेरे बट लॉन्ग बालों में भी काफ़ी अच्छा और स्टाइलिश लगेगा। तो ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। तो आज के लिए थे ये तीन ब्यूटीफुल ईजी हेयर स्टाइल, सेल्फ है, खुद से बना सकते हो और कॉलेज गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा। और जो टिप्स दिए वो सारे जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करिए। डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे सेकेंड चैनल पर जाइए, प्रीत तिवारी 2 सेकेंड चैनल का नेम है, उस पर आपको अमेजिंग डिजाइनर ड्रेसेस की वीडियोज़ मिलेंगी। एंड मेरी शॉर्ट्स वीडियोज़ देखने के लिए मेरा थर्ड चैनल मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर भी जरूर जाएगा, प्रीत तिवारी शॉर्ट्स 3 शॉर्ट्स चैनल का नेम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।